नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से लोग अपने शरीर को साफ रखते हैं, उसी तरह से आपके शरीर के एक जरूरी अंग यानी आपकी लिंग की भी साफ सफाई आपके लिए बहुत जरूरी होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने शरीर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन जब भी उनके पेनिस यानी हथियार की बात आ जाती है तो वो उस पर उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको बता दें कि पेनिस की साफ सफाई करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो भविष्य में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पेनिस की सफाई करना क्यों जरूरी है और वो कैसे की जानी चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेनिस की साफ सफाई करना गलत लगता है या फिर उनको पता ही नहीं होता है कि वो किस तरह से किया जाता है। लेकिन आज हम आपको पेनिस की साफ सफाई करने के कई तरीके बताएंगे। दोस्तों, पेनिस शरीर का एक जरूरी अंग है जिसे नियमित रूप से साफ करना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेनिस की साफ सफाई क्यों आवश्यक है। दोस्तों, पेनिस की सफाई करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम रोज पेशाब करते हैं तो वहां से कई तरह के बैक्टीरिया भी निकलते हैं। ज्यादातर पुरुष मल मूत्र से बाद उसको टिश्यू पेपर से साफ नहीं करते, जिसके कारण हमारे लिंग पर वो बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। इसकी सफाई करना इसकी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसके बाद तो आपको अपने पेनिस की साफ सफाई करना तो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो उनकी योनि में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पेनिस पर चिपक जाते हैं। इसे साफ करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगला पॉइंट है, जो लोग कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी अपने पेनिस की साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्डोम में लुब्रिकेशन होता है जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपको अपना पेनिस जरूर साफ कर लेना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि पेनिस की साफ सफाई करें कैसे। सबसे पहले आप बाल काटें। दोस्तों, जब भी आप अपने पेनिस की सफाई के ओर ध्यान देते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि आपके पेनिस के आसपास जो मौजूदा बाल हैं उन्हें आप काट लें। बालों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, या तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक रेजर से साफ कर लें या फिर आप हेयर रिमूवर क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पेनिस के पास मैल जमा नहीं होगा और जो कि बैक्टीरिया रहने का कारण बन सकता है। अब आगे हल्के गुनगुने पानी से आप अपने लिंग को कैसे साफ करें यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, अपने पेनिस की सफाई स्वच्छ और हल्के गर्म पानी से करनी चाहिए। कई बार लोग अपने पेनिस को गंदे पानी से साफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे तो आप अपने पेनिस को और गंदा कर देंगे और ज्यादातर आपको बैक्टीरिया लग जाएंगे। अगर नहाने से पहले ही आप अपने लिंग की सफाई कर ले तो यह ज्यादा बेहतर माना जाता है। और अब अगर आप उसको ऊपर साबुन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये जानिए, किसी डॉक्टर से सलाह लेकर ही साबुन द्वारा अपने पेनिस की साफ सफाई करिए। यह कोई मार्केटेड साबुन यानी वी वॉश हो सकता है। बस आपको यह याद रखना है कि आप किसी भी साबुन से अपना पेनिस साफ ना करें। बाजार में वैसे कई तरह के साबुन हैं जिसमें कई तरह के केमिकल्स मिले हुए होते हैं। अपने पेनिस पर गलती से भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसलिए हो सके तो सादे पानी से अपने पेनिस को साफ कीजिए और नहीं तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। अब अगर आप चाहते हैं पेनिस कैसे धोया जाए तो ये भी देख लीजिए। दोस्तों, पेनिस को अच्छी तरह से साफ सफाई करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने पेनिस का जो ऊपरी स्किन होता है उसे पीछे करें। अब जो आपके पेनिस का ऊपरी हिस्सा होता है उसे गर्म पानी से धोएं। इसके बाद वी वॉश अपने हाथों में लगाकर पेनिस के ऊपरी हिस्से में लगाएं और इसे साफ करें। बस आप यहां रगड़कर साफ सफाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपके पेनिस के टिश्यू पर बुरा असर पड़ सकता है। यह प्रक्रिया आपको ध्यान पूर्वक करनी होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपने लिंग की साफ सफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि उन्हें भी कोई बैक्टीरिया पकड़ ना ले और वो भी
अच्छे से कर सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।